अभय तमें पछपटे चुपचाप छिड़ा हेच कौन सत्विक संग देखा कर पनी मत लगुच अभय भाई मत बंची थी देखे बस खुशी हो ना अरे ना ना सेमती कौन कह सत्विक तमें बंची थोड़ा देखी मुझे बहुत खुशी पहला सर मत कुंडे धरी तुम खुशी जाहिर कर ये कौन बापा आपण मत कहते जगह को आपण मोहल्लु बाहर कर दे पी ना ना बाबा पिराज नंदन तू ठीक कथा कहु मु तो जगह को बाहर कर दे तू ए देखुचु ये सी जगह नुहे सी है राज राजेन्द्र बलिहार सिंह पु सात्विक बलिहार सिंह आ राधिकार स्वामी सतरे सात्विक फेरी आसला परे आम घर को सब हसखुशी फेरी आसी ए असंपूर्ण घर आज संपूर्ण हो जाए कथा कौन इंस्पेक्टर अभय हम तमें भी सात्विक को देखिए चमकी पड़ल ना कौन घटनाटा प्रकृतर चमकई देला भाई घटना ना एत बड़ पहाड़ उपर तल को खसी पंचिक फेरी आसवाटा सात्विक तो यहाँ असंभव को संभव कर देखे देले मुझे गोटे कथा नहीं टिके विव्रत अच्छी जमीदार बाबू आउ तमें तुम बचा कथा जा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कहीं देलनी आई मीन पुलिस रिपोर्ट अनुसार तुम मृत्यु बोली घोषणा कर पार्टी चलती ये तुम तुम से जो पुलिस अनुसंधान आरंभ कर सारे लोक मान सामने भल ना तो नहीं बापा अभय भाई को ड्यूटी करने को दिंतु अवश्य अभय भाई तुम समस्त प्रश्नर उत्तर मो पाखे मौजूद अच्छे अभय भाई मु पुलिस स्टेशन जाए मु बंची बोली जो रिपोर्ट दे था ताले एत बड़ सरप्राइज मुझे दे था इट्स ओके तुम्हारे जहाँ भी पुलिस फॉर्मेलिटीज अच्छी मु कल सका पुलिस स्टेशन जाए सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देबे हेले प्लीज आज संध्याटा मो सुंदर स्त्री और मो फैमिली सहित टिके एंजॉय करने को दिंतु प्लीज सात्विक तोर फेरी आसवा खुशी रे राधिका तोर नाच गीत केमती हाँ Thank you.
प्रथम देखारु तू जुआड़े जाऊची मु रेशमी सूतारे मते धीरे धीरे पाखो कुटाणु छु तू जगा को मृत्युर धमक जदि देना था तेल सी आज एमती समस्त सामने सत्विक ये आई ना मालिके तमें भूली गल जे आम भी बोबाल जगा पुराना जगदीश आ मालिके आम ना जगदीश जिते बड़े ताले आम भितर कि अंश तो जरूर थे आम विषय खास कथाटा या जे जमीदार बाबू जगा से ही करे जहाँ ताकूक हुए थे जदि ये बोबाल जगा मुंड थय करदेला ताले मृत्युर धमक कौन खोद मृत्यु भी जदि आम सामना को आसीजी ना ताले आम इरादा को आम के बदल पारे तेमें मालिके बड़ भूल धारण से अच जे आम जगार सात्विक आपण को डर ना तेमें आपने भी ना आम केवल ये राधिका मैडम को हाँ आईटा भी तमठ या रक्षा करने आम मालिके तुमरे महलरे रही तेमें जो गेम प्लान कहते तो हाँ गेम पाने चल ता जड़ जाए जाए ताको आम खत्म करदब चंडी ना गांटी दब ले हसुचु लैला परि दिसुचु ले हसुचु लैला परि दिसुचु सत कहुची राण खाउची पागल करिचु मते तू तो पाई के दिल तमोरा घुटुर घुटुर गो तो पाई के दिल तमोरा घुटुर घुटुर गो तो पाई के दिल तमोरा घुटुर घुटुर गो तो पाई के दिल तमोरा घुटुर घुटुर गो
ଆଡ କଣ କହୁନ ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ମୁ ବେବି 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 ନୁ ହେଲା ପାନ ବେବି ମୁ ବେବି 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 ନୁ ହେଲା ପାନ ବେବି ମୁ ଲାଲ ପାନ ବେବି ମୁ ଲାଲ ପାନ ବେବି ମୁ ଲାଲ ପାନ ବେବି ମୁ ଲାଲ ପାନ ବେବି ଜମିଦାର ବାବୁ, ଆପଣ ପରା ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ତ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଠାବାଲିକୁ ଆପଣ ମହଲକୁ ଡାକି ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁ ଏମିତି ବେଜିତ କଲେ? ଆରେ ଏଇଟା ତ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଖାନଦାନୀର ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ବାବୁ, ଏ କୋଠାବାଲିର ନାଚ ବିନା ଆଙ୍କର କୌଣସି ଭୋଜିଭାତ ପୂରଣ ହୁଏନି। ଭାଇ, ତାଙ୍କର ବା ଗଲା ଭୋଜିଭାତକୁ ଏଇ କୋଠାବାଲିକୁ ମହଲକୁ ଡାକିଥିଲେ। ହଁ ପରା, ବଳିଆର ସିଂ ପରିବାର ନିଜକୁ ଭାରି ଇଜ୍ଜତଦାର ବୋଲି ଦେଖେଇବେ ସିନା, ହେଲେ ଏମିତି ନାଚବାଲି ପାଖରେ ସୌଗ୍ରହ କରେ। ଚାନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଗଲା କି? ପାଟି, ଇଏ ପୁଣି କୋଉ ଆଇଟମ? ଏ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ପୁଣି କି ଲଫଡ଼ା ଅଛି? ମୋ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେ ହାଁଟା କରିକି କଣଟା ଦେଖୁଛୁ? ହାଏ, ଆମେ ଅକ୍ରାଦ୍ରେସ କୋଠାବାଲିକୁ ଧକ୍କିଆ ଦେଇକି ଘର ବାହାର କର। ସାହସ କଲା କେମିତି? ବିରାଜ,
एबे ए मुहूर्त रे कोठा बाली को ए महलु बाहर को फपाड़ दे जा ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖିଆପିଆ ଭୋଜିଭାତ ସରିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି। ହରିଓମ, ଏ କ'ଣ ଫିରାଜ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି? ହରିଓମ ହରିଓମ, ତମମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟାଏ ସାଂଘାତିକ କଳ୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହଁ ମା, ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ରହିବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଏ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ଆରେ ବିରାଜ, ତୁ ତୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଠେଇ ଦେଉଛୁ? ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିରାଜ ଅଟକା ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ଦୟାକରି। ବିରାଜ, ଏ କୋଠା ବୋଲିକୁ ଏ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏ ମହଲରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେ ଦି କୋଡ଼ିର କୋଠା ବାଲି ପାଇଁ। ବିରାଜ, ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କର। ଆମକୁ ପିଲାର ନାମକରଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଶୀଘ୍ର କର। ଆପଣ ଯଦି ପିଲାର ମାଆକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ନାମକରଣ ବିଧି କିଏ କରିବ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ମା।